सो so, दोस्तों हेलो नमस्ते सलाम मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त राजीव पांडे स्वागत करता हूं आपके फेवरेट एप इलेवन में सो so, ये एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ टू फाइंड आउट स्लोप ऑफ द ऑफ अ गिवन कर्व एंड हाउ टू फाइंड आउट स्लोप ऑफ द नॉर्मल ऑफ द गिवन टैंजेंट है ना सो so, ठीक है अब हम लोग इसमें चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक से स्टार्ट करते हैं तो हम लोग देखते हैं कोई कर्व दिया है उसका स्लोप ऑफ द टैजेंट कैसे निकालते हैं And हम लोग ये भी पढ़ने वाले हैं कि हाउ टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व सो अस सी पहले बात तो ऐसा फोर 4x. अब तुम्हारे पास एक कर्व दिया है y इक्वल टू 3x एक्स रेस टू फोर माइनस फोर अब देखो सिंपल बात है बेटा है ना सिंपल बात है अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकाल लू डीवाई बाई डी एक्स चलो निकाल लेते हैं फिर बताते हैं आपको सो so dy बाई डी एक्स अगर निकाल लू सो दिस का फोर एक्स क्यूब माइनस फोर इन टू एक्स का डेवेटिव टूल एक्स क्यूब माइनस फोर दिस इज डीवाई बाई डी एक्स ये क्या है हमारे पास dy बाई डीएक्स मतलब क्या मिल गया दिस इज स्लोक dy बाई डीएक्स का ही मतलब क्या होता है स्लोप होता है तो ये बात ध्यान में रखिएगा बट क्या बोला है स्लोप ऑफ द टैंड एट द पॉइंट एक्स इक्वल्स टू फोर जब एक्स फोर है तो स्लोप क्या होगा स्लोप एक्स इक्वल्स टू फोर मतलब यहां पे एक्स के जगह पे फोर डाल दो तो स्लोप मिल जाएगा व्हेन एक्स फोर सो टू एक्स वॉट फोर फोर का क्यूब माइनस फोर सो दिस ट्वेल्व फोर का क्यूब है सिक्सटी फोर माइनस फोर अब देखो सिक्सटी फोर इंटू ट्वेल्व

तो स्लोप ऑफ इसका मतलब ऐसा है कोई कर्व है ये करो ऐसा कोई कर्व है। सो so, जब यहां पे, तो पे टच करता है सो so, m विल इक्वल टू सेवन सिक्सटी फोर सिंपल एक ये बात हम लोग समझ सकते हैं, okay? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और ऐसे ही सिंपल सिंपल से आगे बढ़ेंगे तो समझ पाएंगे कि क्या चीज है फाइंड द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू द कर वाई इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू अब हमको स्लोप निकालना है वेन एक्स टेन है ना एक्स जब टेन होगा तब सो so, पहले तो हम डी डीवाई बाई डी एक्स कर लेते हैं डेरिवेट कर लेते हैं स्लोप मिल जाएगा एम मिल जाएगा भाई दिस इज इक्वल टू यू अपॉन वी रूल सो पहले v ऊपर जाएगा मतलब x माइनस टू वी इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू दैट इज डिनोमिनेटर इंटू डेरीवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर मरेटर इंटू डेरीवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज x माइनस टू अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब x माइनस टू द होल स्क्वायर ना सिंपल कर अब दिस इज एक्स माइनस टू इंटू डेरिवेटिव एक्स इज वन एंड वन का जीरो वन का जीरो एक्स का वन तो वन आएगा इधर एक्स माइनस वन इंटू डेरिवेटिव एक्स इज वन एंड डेरिवेटिव टू कांस्टेंट इज जीरो द होल अपॉन एक्स माइनस टू द होल स्क्वायर ये बात सबको समझ में आ गई होगी डेरिवेटिव्स बहुत किया हमने सो डेरिवेटिव इजी हो जाना चाहिए नाउ दिस इज एक्स माइनस माइनस ऑफ एक्स ये माइनस माइनस प्लस ऑफ वन द होल अपॉन एक्स माइनस द होल स्क्वायर इसका मतलब प्लस एक्स माइनस एक्स गया माइनस टू प्लस वन इज माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू द होल ये बात सबको समझ में आ गई होगी स्लोप मिल गया जनरल स्लोप अब हम लोग जनरल स्लोप मिलने के बाद में वी वांट स्लोप एट एक्स इज इक्वल्स टू टेन जब एक्स टेन है तो स्लोप का वैल्यू क्या होगा सो माइनस वन अपॉन एक्स एक्स एस टेन टेन माइनस टू द होल स्क्स माइनस वन अपॉन एट का स्क्ट माइनस वन अपॉन सिक्सली समझ में आ गई होगी मतलब हम लोग को अगर इक्वेशन ऑफ देशन ऑफ दर्व दिया है देन वी कैन फाइंड आउट जनरल स्लोप पहले डेरीवेट कर दो स्लोप मिल जाएगा और एक्स का वैल्यू जब हम दिया है तो वो डाल दोगे तो एट दैट पॉइंट स्लोप कितना है पता चल जाएगा टेंजेंट का ओके okay? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस वन एट द पॉइंट व्हेन एक्स कोऑर्डिनेट इज टू मतलब वी वांट स्लोप व्हेन एक्स इज टू तो भाई ये आपके लिए होमवर्क रहा सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन तो पहले आप इसको डेरिवेट करोगे डीवाई बाई निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये मिल जाएगा अपने को स्लोप है ना एंड यहां पे x के वैल्यू के जगह पे टू डाल दोगे दोगे तो स्लोप एट दैट पॉइंट आपको मिल जाएगा ओके okay? बहुत सिंपल हो गया आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट ऑफ अ कर्व वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस टू दिस इज कर्व है ना दिस इज इक्वेशन ऑफ द कर्व अब अब बोला है स्लोप Uh, whose x coordinate is 3 so m at x equal to 3 हमको find out करना चलिए निकालते हैं देखते हैं बहुत simple हो गया पहले m निकालने के लिए we will derive this uh, we will find out dy by, by dx so dy by, by dx is nothing but m है ना so x cube का हो जाएगा 3x square minus 3 into x का derivative is 1 and 2 का 0 it means 3x square minus 3 is a डेरिवेटिव मतलब जनरल स्लोप मिल गया वो कर्व का अब x इक्वल टू जब थ्री है मतलब एट द पॉइंट वेन एक्स थ्री वॉट इज द स्लोप ऑफ द टैंजेंट थ्री इंटू एक्स के जगह पे क्या डाल दोगे थ्री सो इट विल बी का स्क्वायर सो थ्री इंटू थ्री इज नाइन नाइन माइनस थ्री ट्वेंटी समझ में आ गई क्लियर हो गई आ, तो भाई वो इसके पहले वाले जो था ना वो आप लोग होमवर्क करोगे स्लोप निकालोगे और कॉमेंट सेक्शन में इसका स्लोप को कॉमेंट करोगे भाई कितना आता है ओके चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं देखते हैं और क्या है फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल तो जैसे कि हमने स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकाला सर व्हाट इज स्लोप ऑफ द नॉर्मल देन अब एक बात समझो कि हमारे पास कोई कर्व है दिस इज आवर टेंजेंट दिस इज अवर टेंजेंट लाइन इसका स्लोप एम है तो इसके यही पे परपेंडिकुलर एट दिस पॉइंट परपेंडिकुलर इज अ नॉर्मल है ना दिस इज टेंजेंट टेंजेंट एंड दिस इज नॉर्मल है ना परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट परपेंडिकुलर लाइन टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज नॉर्मल सो हमको एक बात अगर मैं बोलू नॉर्मल का स्लोप तो दिस इज एम वन अगर मैं एम वन डाल दू भाई अगर मैं एम वन डाल दू सो वी नो दैट एम वन इन टू एम विल बी इक्वल टू माइनस वन सो देर फोर एम क्वेश भाई नॉर्मल निकालने के लिए नॉर्मल का स्लोप निकालने के लिए एक बात ध्यान में रखो टेंजेंट का स्लोप निकालो है ना और उसको वन बाई एम ले लो माइनस का रेसिप्रोकल ले लो सो स्लोप ऑफ द नॉर्मल एकदम इजीली मिल जाती है चलिए निकालते स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व अब देखो पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया है, है ना वी वांट व्हाट वी वांट स्लोप एम एम तो चाहिए बट व्हेन थीटा इज इक्वल टू चलो सो नॉर्मल स्लोप इज स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज वॉट एम वन हमने यहां पे लिया है सो एम वन इज इक्वल टू माइनस वन बाई एम तो पहले तो एम निकालना पड़ेगा लेकिन वो एम वन कब जब थीटा इक्वल्स टू वो भी ध्यान में रखना है ना कि ये पहले तो बात ये है जरा ध्यान से सुनिए वॉट वी वॉन्ट वी वॉन्ट एम वन बट वेन जब थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई फोर जब पाई बाई फोर ठीक है So, हम लोग को निकालना पड़ेगा एम वेन थीटा इज इक्वल टू पाई बाई फोर ये हमको निकालना पड़ेगा क्यू बिकॉज दिस इज गिवन बाई वन अपॉन एम वेन थीटा इज इक्वल टू पाई बाई फोर ये फॉर्मूला के मुताबिक है ना सो so, इसके लिए पहले स्लोप निकालते हैं सो so, y दिया है एंड uh, लेकिन ये पैरामेट्रिक फॉर्म में तो सबको याद होगा पैरामेट्रिक फॉर्म पहले तो अगर हमको डीवाई बाई डी एक्स निकालना है डीवाई बाई डी एक्स इज स्लो सो इट विल बी डी वाई बाई डी थीटा डीएक्स बाई डी थीटा याद है तुमको पैरा फॉर्म नहीं याद है तो वो वीडियो जाके जरूर देखना डेरिवेटिव वाला पैरा फॉर्म वाला तो आप लोग को करना इजी हो जाएगा फिर भी हम इधर करने वाले हैं सो नो वरीज अब यहां पे y दिया है y इज वॉट

इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा विल बी वॉट कॉस थीटा सबको याद होगा तो जैसे हमने डी वाई बाई डी निकालाउट बाई डी थीटा सो डेरिवेटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ द साइड सो इट इज इक्वल टू एस कॉन्स्टेंट कॉस क्यूब का एक्सरेस टू एन कॉस को एक्स माना सो एक्सरेस टू एन का थ्री इंटू कॉस स्क्टा इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस्टा इज माइनस साइन थीटा सबको बात समझ में आ गई होगी सो इट विल्वल्स टू माइनस ए थ्री साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा यही है ना चलो लिख देते दिस इज ए साइन स्क्वायेर थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन दिस इज माइनस ए थ्री साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अब ए ए कैंसिल थ्री थ्री कैंसल साइन में से एक साइन गया कॉस में से एक कॉस गया सो इट इज माइनस ऑफ साइन थीटा बाई कॉस थीटा सो इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन बाई कॉस इज वॉट टैन थीटा दिस इज वॉट स्लोप लेकिन स्लोप वेन थीटा इज पाई बाई फोर चाहिए हमको है ना स्लोप

One. तो स्लोप ऑफ द टैंजेंट भाई स्लोप ऑफ द सॉरी स्लोप ऑफ द इज दाइनस वन नॉर्मल इज वॉट सिंपल हो गया एक दो बार करोगे तो आप लोग और इजी तरीके से इसको समझ पाओगे तो और ज्यादा क्वेश्चन जब आगे सॉल्व करोगे तो इजी हो जाएगा अब बोला है फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व वापस सेम टाइप का है देखिए करते हैं स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व curve means वी we want m1 एट थीटा इज equals टू पाई by 2 इट means इट इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन स्लोप ऑफ द tangent when थीटा इज equals टू पाई by 2 सो so पहले तो हमको क्या निकालना पड़ेगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट दैट इज एम व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय टू चलिए ये निकालने की कोशिश हम लोग करते हैं सो फॉर दैट वापस से पैरामीटर इज व्हाट थीटा थीटा इज अ पैरामीटर जो एक्स और वाई जुड़ा हुआ है वो किससे जुड़ा हुआ है थीटा से सो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेट करेंगे सो फर्स्ट ऑफ ऑल वाई इज व्हाट वाई कितना है भाई बी कॉस स्क्वायर थीटा बी कॉस स्क्वायर थीटा ये नवाई वाई, वाई इज व्हाट बी कॉस स्क्वायर थीटा चलो लिख दिया अब dy बाई डी एक्स अगर मैं निकालू dy बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट हो देखो ये गलती मत करना हमने क्या बोला पैरामीटर सो डीवाई बाई डी थीटाजी कॉस स्क्वाज वॉट x रेस to n so टू into cos रेस to theta रेस to टू minus 1 विल बी 1 into डेरिवेटिव ऑफ cos theta इज what minus साइन theta है ना x हमने किसको पकड़ा कॉस थीटा को तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा व्हाट माइनस साइन थीटा सो थीटाइनस इंटू बी इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यही हो गया है ना जैसे हमने डीवाई बाई डी एक्स डी थीटा निकाला एक्स मिल एक्स भी दिया है एक्स इज वन माइनस ए साइन थीटा वन माइनस ए साइन थीटा डीएक्स बाई डी थीटा निकालोगे सो वन का डेरिवेटिव जीरो माइनस ए इंटू साइन ऑफ थीटा का थीटा हो हो जाएगा ओके okay? सो so, ये डीएक्स बाई डी थीटा वॉट वी वॉन्ट बी वॉन्ट स्लोप एम सो एम इज गिवेन बाई डी वाई बाई डी थीटा अपॉन देखो स्लोप का मतलब क्या है पहले ये बताओ स्लोप का मतलब समझो स्लोप यहां पे हमारा डीवाई बाई डी एक्स है डीवाई बाई डी dx मिलेगा कैसे पैरामीट्रिक फॉर्म में इस dy वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा बराबर है अब विनो वाई बाई डी इक्वल्स टू माइनस टू बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन दिस इज वॉट माइनस ए कॉस थीटा अब देखिए जरा थीटा कॉस थीटा कैंसल माइनस माइनस गया तो कितना बच गया टू बी साइन थीटा अपॉन ओके, सो दिस इज स्लोप बट वी वांट स्लोप एम एट द पॉइंट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई फोर जब इधर थीटा में पाई बाई फोर डाल दू सो इट विल बी बी टू ए साइन ऑफ पाई बाई टू सो इट इज टू बी बाई ए साइन पाई बाई टू इज वॉट वन सो इट विल बी टू बी बाई ए सो दिस इज स्लोप एट दिस पॉइंट this is slope of the tangent we want slope of the normal slope of a normal is m1 it is minus 1 by slope of the tangent so minus 1 by slope of the tangent is 2b by a a ऊपर चला जाएगा so minus a by 2b is the value baat sabko samajh mein aa gayi hogi hai na chalo आगे बढ़ते हैं. next question की तरफ चलते हैं. find the uh, find point at which the tangent this is पैरेलल टू एक्स एक्सिस अब देखो कोई भी लाइन है एक्स एक्सिस को पैरेलल है कोई भी लाइन अगर वो एक्स एक्सिस को पैरेलल है तो स्लोप ऑफ दैट लाइन इज व्हाट जीरो है ना बहुत सिंपल हो गया अब बोला है फाइंड द the... पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व दिस इज पैरल टू एक्स एक्सिस अगर वो एक्स एक्सिस को पैरल है कोई भी लाइन अगर दिस दिस इज इज अ अ टेंजेंट ये this is a curve. करो, ये कर्व कर्व सपोज करो तुम्हारा है एक जरा ध्यान से सुन लो तो समझेगा कि क्या कर रहे हैं ना ये तुम्हारा ये तुम्हारा सपोज करो कि ये तुम्हारा कर्व है ये टेंजेंट है ओके सो दिस टेंजेंट T is parallel to x-axis. This is your x-axis. Okay, parallel to x-axis. इसका slope is m. As this m is par, this T is parallel to x-axis. Slope will be equal to what? Zero. चलो slope nikal ke equate karte. इस तरह क्या-क्या मिलता है वो देखते हैं. उससे point मिलता है क्या नहीं? वो भी देख लेते. चलिए. So y is given. Y is equals to x cube. एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस सेवन माइनस नाइन एक्स प्लस सेवन यही है 3X, X cube, 3X square, 9X 7. अब हम स्लोप निकालते हैं मतलब डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं तो so, इसका स्लोप एक्स क्यूब का थ्री एक्स स्क् माइनस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर का टू एक्स ये सबको याद हो जाएगा नाइन इंटू एक्स का डेरिवेटिव इज वन एंड सेवन का जीरो

0, इसका मतलब थ्री एक्स स्क् माइनस सिक्स एक्स माइनस नाइन विल बी इक्वल टू जीरो सब में से थ्री कॉमन है मतलब डिवाइड कर दो तो थ्री से rather. तो 3 से डिवाइड कर दिया जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो आएगा अब ये क्वाड्रेटिक बना है भाई बना है तो स्प्लिटिंग हम करते हैं एंड एक्स का वैल्यू निकालते सो हम लोग क्या करेंगे इंटू करने पे माइनस थ्री एडिशन करने पे माइनस टू भाई इन करने पे माइनस थ्री एक ही फैक्टर थ्री वन सा थ्री माइनस टू प्लस वन करोगे तो एड करने पे माइनस टू मिलता है सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्प्लिट किया दो फॉर्म में प्लस वन एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो अब इन दोनों में से एक्स कॉमन है एक्स माइनस थ्री बचेगा इन दोनों में से प्लस वन कॉमन है एक्स माइनस थ्री बचेगा इक्वल टू जीरो एक ब्रैकेट में एक्स माइनस थ्री एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वन विल बीवल टू जीरो और एक्स प्लस वन विल बीक्वल टू जीरो सो देर फोर एक्स विल बी इक्वल टू थ्री और एक्स विल बी इक्वल टू माइनस वन एक्स की दो वैल्यू मिली हमको पॉइंट निकालना है पॉइंट जहां पे वो टेंजेंट कट कर रहा है सो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट सो केस वन में क्वल टू थ्री देन वाई विल बी इक्वल टू वहां पे एक्स के जगह पे ये क्या है दिस इज अट विच लाइस ऑन दर्व तो इसका एक्स कोडिनेट पता है निकाल सकते X का डाल के। चलो डाल देते हैं सो दिस इज थ्री का क्यूब माइनस थ्री इंटू थ्री का स्क्वेर माइनस नाइन इंटू थ्री प्लस सेवन थ्री का क्यूब इज ट्वेंटी सेवन यहां पर भी थ्री का क्यूब माइनस ट्वेंटी सेवन

वल टू माइनस वन सो वाई विल बी इक्वल टू माइनस वन का क्यूब बराबर है एक्स के जगह पे माइनस वन माइनस वन का क्यूब माइनस थ्री इंटू माइनस वन का स्क्वायर माइनस नाइन इंटू माइनस वन बराबर है माइनस नाइन इंटू माइनस वन देन प्लस सेवन सो इट विल बी इक्वल टू माइनस वन का क्यूब इज वॉट माइनस वन माइनस थ्री इंटू माइनस वन का स्क्वायर इज वन

पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालते हैं यह बात आपको क्लियर हो गई होगी कि टेंजेंट का और कर्व का पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कुछ कंडीशन दिया होगा उससे हम कैसे निकालते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो पता चलता है फाइंड द पॉइंट ऑफ द कर्व वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस टू द होल एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू दर्व पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट पॉइंट ऑफ ऑन द कर इक्वल टू एक्स माइनस टू द होल स्क्ट विच द टेंजेंट इज पैरल टू दर्व ज्वाइनिंग देखो क्या क्या बोलाइंड पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट इज पैरल टू द कॉड मतलब अगर मैं आपको बताऊं कि दिस इज योर दिस इज योर दिस कर्व करवल टू एक्स माइनस टू द होल स्क् एंड दिस इज अ टेंजेंट दिस इज विस इज अवर टेंट दिस इज अवर टेंट लाइन है ना ये हमारा टैंजेंट लाइन है टी दिसन इज पैर टू द्वार इज दिस दिस इज पॉइंट बी फोर कामा फोर चलो सो ए बी इज पैरल टू टी देन हाउ टू फाइंड आउट दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी हमको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना है ना सिंपल हो गया देखते हैं कैसे कर देते हैं इसको सो so, पहले तो हम लोग डीवाई बाई डी एक्स निकालेंगे स्लोप ऑफ ए बी निकाल सकते हो स्लोप ऑफ ए बी ए बी का स्लोप अगर मुझे निकालना है तो डिफरेंस ऑफ वाई अपॉन डिफरेंस ऑफ एक्स सो वाई टू माइनस वाई वन फोर माइनस जीरो फोर माइनस जीरो अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन दैट इज फोर माइनस टू फोर माइनस टू सो फोर अपॉन टू है स्लोप ऑफ ए इज टू एंड वी नो दैट स्लोप ऑफ ए बी विल इक्वल टू स्लोप ऑफ टी वाई बिकॉज दे आर पैरेलल टू ईच अदर एक दूसरे को पैरेलल है तो स्लोप दोनों का क्या होगा इक्वल होगा चलिए स्लोप है, निकालते हैं ना टेंजेंट का डीवाई बाई डी एक्स एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला टू इंटू एक्स माइनस टू द होल टू टू माइनस वन इंटू डेटिव एक्स किस को, पकड़ा, को अब मुझे पता चल गया टू इंटू एक्स माइनस टू द होल रेस टू वन एंड एक्स का derivative is, uh, 1 एंड टू का जीरो सो so यही बचा dy बाई डीएक्स तो दिस इज वॉट dy बाई डी एक्स का मतलब क्या हो गया स्लोप मिल गया हमको एम मिल गया नाउ दिस एम ऑफ टेंजेंट m is equals to m of a b slope of the tangent is equal to slope of the uh, chord a b because they are parallel as tangent t is parallel to a b e and tangent t is parallel because so slopes are equal now m is what m is this one 2 into x minus 2

थ्री माइनस टू इज वन वन का स्क्वायर वन का स्क्वायर इज वन सो वाईक्वल्स टू वन सो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज वॉट थ्री कॉमा वन मतलब पी मिला वो तुमको कितना मिला थ्री कामा वन मिला सिंपल हो गया है ना अब देखते हैं जरा हाउ टू फाइंड आउट अगेन फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ना फाइंड द पॉइंट ऑन द कर एट विच टेंजेंट इज दिस ये ही दे दिया। मैं आधा करूंगा आधा होमवर्क लिखूंगा आपको करना है पॉइंट बताना ओके अब ऐसा है कि भाई जरा ध्यान से देखो तो दिस इज अवर कर्व दिस इज अवर लाइन मतलब टेंजेंट है इक्वेशन दिया है वाई इक्वल टू एक्स माइनस इलेवन एंड कर्व इज ऑल्सो गिवन दट इज वाई इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस इलेवन एक्स प्लस फाइव वाई इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस इलेवन एक्स प्लस फाइव उट दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी बराबर है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी हमको निकालना है कैसे निकालेंगे सो पहले तो डीवाई बाई डी एक्स करेंगे स्लोप मिल जाएगा टेंजेंट का सो दिस का थ्री एक्स स्क्स इलेवन एक्स का वन फाइव का जीरो सो दिस इज योर स्लोप अब टैंजेंट इज गिवेन टैंजेंट टी द स्लोप ऑफ देंजेंट इज वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस इलेवन इज अ टेंजेंट अब मैं अगर डीवाई बाई डी स्लोप ऑफ दिल बी डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज स्लोप ऑफ द डेजेंट एंड दूस का डेरिवेटिव का जीरो तो स्लोप तो वन मिला सो फ्रॉम वन एंड टू दिस इज इक्वल टू वॉट वन लेट इट बी वन दिस इज बी टू

अब केस वन में ऐसा लेना जब x इक्वल्स टू प्लस टू है एंड केस टू में ऐसा लेंगे जब x इक्वल्स टू माइनस टू है तो y का वैल्यू निकालिए दिस दैट विल बी द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ओके ऐसा सही टाइप का क्वेश्चन किया आपको ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालनी है और कॉमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना ताकि हमको भी पता चल जाए कि आपको अब ये क्वेश्चन आ रहे हैं Download the app now.